हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो आज हमारा पहला लेक्चर है वो है हमारा क्वाड्रेंट ज्योमेट्री। तो चूँकि पहला लेक्चर है तो हम लोग इसमें कुछ बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे, जैसे कि लोकेशंस के बारे में और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, और आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में सुना होगा, ये क्या है, डिस्टेंस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ओरिजिन। तो ये बेसिक लेक्चर है, कुछ बेसिक डेफिनेशन ही हम डिस्कस करेंगे, पर डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ओके, तो लेक्चर को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ जो है वो है मेरी लोकेशन। लोकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो लोकेशन क्या होता है? लोकेशन कुछ नहीं, आप किसी भी कोऑर्डिनेट की पोजीशन को फिक्स कर सकते हो उसका डिस्टेंस मेज़र करके टू नॉन पैरेलल लाइन से। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा उस चीज़। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें आपको कुछ नया देखने को मिल रहा होगा, आपने अगर ध्यान दिया हो तो, ये है नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, और जो जनरली हम लोग देखते हैं वो नॉन पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं, वो दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। जो हमने लोकेशन जो हम डिसाइड करते हैं कोऑर्डिनेट्स की, वो हमने सुना होता है कि वो दो ऐसी लाइन होती हैं कुछ जिनके बीच में एक 90 डिग्री एंगल होता है, और हम कुछ डिस्टेंस यहाँ पे चलते हैं, कुछ डिस्टेंस यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे जाके मुझे एक पॉइंट मिल जाता है पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, पर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, इसका मतलब कि ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसमें एंगल 90 ना हो। तो क्या ऐसा सिस्टम भी होता है क्या? तो हाँ, डेफिनेटली ऐसा सिस्टम होता है, उसको हम लोग ऑब्लिक एक्सिस सिस्टम बोलते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम इसे पढ़ते नहीं, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं होता है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री का पार्ट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला नॉन यूक्लिडियन है, तो हम इसलिए इसको पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो हाँ, तो इस सिस्टम में जो मेरी ये दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो जो ये दो लाइन है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं एक्सिस, जिसमें जो ये हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसी लेटी हुई, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो खड़ी है दैट इज़ वर्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ये इसको आप ओ भी बोल सकते हो, जनरली आप ओ ही बोलोगे इसको। तो पूरे 26 में से एक लेटर ओ मैंने इसको दे दिया है ना, और जनरली जो लोकेशन वाला पॉइंट होता है वो पी से डिनोट होता है, तो P वाला मैंने इसको दे दिया। ये मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होगा, कई बुक्स में आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें मैं इस पॉइंट की लोकेशन डिसाइड करता हूँ कुछ डिस्टेंस, मतलब ये नॉन पैरेलल लाइन से इसका डिस्टेंस मेजर करके। तो इसमें कुछ डिस्टेंस मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता हूँ और कुछ डिस्टेंस में वर्टिकल डायरेक्शन में चलता हूँ, तो मुझे इस पॉइंट की लोकेशन मिलती है। ठीक है ना, तो जो मैं डिस्टेंस चल रहा हूँ दैट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस क्या है एक्चुअल में? तो ये डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, ये दोनों वर्ड भी आपने सुने होंगे। तो एक्चुअल में ये वर्ड्स क्या हैं?
एक्चुअल में ये वर्ड्स डिस्टेंसेस हैं। कौन से डिस्टेंस? जो एब्सिसा होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और जो ऑर्डिनेट होता है वो होता है वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप एक्स एक्सिस, ये एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल में, इस डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस चल रहे हो तो आप एब्सिसा चल रहे हो, और वाई एक्सिस में अगर वाई वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप कोई डिस्टेंस चल रहे हो तो आप वो ऑर्डिनेट कवर कर रहे हो। तो इसलिए जनरली आपने सुना होगा एक्स जो होता है वो एब्सिसा होता है और वाई जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये दोनों डिस्टेंस है तो इसका मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो उस केस में आपको डायरेक्शन बता रहे होंगे कि आप आगे चल रहे हो या पीछे चल रहे हो। ओके, होपफुली आपको क्लियर हुआ हो। एब्सिसा और ऑर्डिनेट डिस्टेंस ही होते हैं, पर वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो किसी केस में आपको डायरेक्शन भी बता रहे हो कि आपको पहले क्वाड्रेंट में रहना है या दूसरे क्वाड्रेंट में रहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है डिस्टेंस। हमने अभी डिस्टेंस के बारे में ही डिस्कस किया है, तो हम देख लेते हैं डिस्टेंस इसका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। एक्स एक्सिस ये है, अब एक्स एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो आप देख पा रहे होंगे, वो ऐसा कुछ है। ठीक है, ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूँ, और ये आपने देखा भी होगा कि मैं जनरली किसी भी पॉइंट का, किसी भी लाइन से जो डिस्टेंस लेता हूँ वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूँ। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्यों लेता हूँ मैं, और कोई डिस्टेंस क्यों नहीं लेता हूँ मैं? तो इसका आंसर भी आपने सुना होगा, शायद आपको पता होगा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मैं आप लिख देता हूँ, ये जो डिस्टेंस होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो आप लोगों को लगता होगा कि शायद मैं इसी ले लेता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई और डिस्टेंस लेने जाऊँगा तो वो फिक्स नहीं रहेगा, है ना? पर एक्चुअली ये रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि जो मैं दो नॉन पैरेलल लाइंस ले रहा हूँ इस पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, इस पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए उनके बीच का एंगल 90 है। इसीलिए मैं जो भी पॉइंट ले रहा हूँ उससे जो भी डिस्टेंस मेज़र करूँगा, जो भी मैं जिस उसकी लोकेशन डिसाइड करूँगा, वो एंगल 90 के रिस्पेक्ट में करता हूँ। मतलब कि मैं एक्स एक्सिस में कोई डायरेक्शन चलता हूँ, फिर जैसे ही मैं वर्टिकल चलता हूँ तो परपेंडिकुलरली चलता हूँ। ठीक है ना? इसका मतलब कि अगर मेरा पॉइंट अगर इस सिस्टम में होता ये पी, तो उस केस में मैं एक्स एक्सिस में ऐसा कुछ चल रहा होता और वाई एक्सिस में कुछ ऐसा चल रहा होता जिसमें एंगल ये दोनों लाइन के बीच का एंगल होता। तो उस केस में मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ले रहा होता, उस केस में जो मेरा एंगल होता वो ये वाला एंगल होता जो इस सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी, दो नई चीज़ें, कि मेरी जो एक्सिस होती हैं वो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, है ना? हमेशा वो परपेंडिकुलर लाइंस नहीं होती है। परपेंडिकुलर लाइंस वाला सिस्टम हम पढ़ते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट से किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने की जो बेसिक वजह होती है वो ये होती है कि सिस्टम जो है वो उसमें दोनों नॉन पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 90 है। ठीक है, तो अब देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है ये आप देख पा रहे हो कि वर्टिकल डिस्टेंस है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो ये रहा वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज व्हाट ऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो क्या होता है मेरा? ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट मुझे पता है ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाई। अब चूंकि ये प्योरली डिस्टेंस है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं मोड लगा लेता हूँ। ठीक है, सेम
वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखूंगा तो वो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे दोनों के इसमें उल्टा होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वो ऑर्डिनेट होता है और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एब्सिसा होता है, दैट इज एक्स। और चूंकि ये भी प्योरली डिस्टेंस है तो इसको भी मैं मॉड में ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, वेल नोन पॉइंट, दैट इज ओरिजिन, हमारा रेफरेंस पॉइंट, तो इससे भी मैं इसका डिस्टेंस मेज़र कर ही लेता हूँ लगे हाथ, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, अब चूँकि हमें डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल 90 होगा और ये डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये एक्स है, वर्टिकल डिस्टेंस मेरा वाई है, तो इस केस में जो मेरा ये आर बन रहा है ओ पी, दैट इज हाइपोटेनियस, तो वो हाइपोटेनियस होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, बेसिक चीज़ है। अब एक और चीज़ आती है, वो होता है जनरल कोऑर्डिनेट, जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ दो जगहों का, कौन कौन सा, एक तो एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। अब जैसे कि एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे आपको अगर कोई पॉइंट पता करना है ऐसा कुछ भी, तो इस पे जाने के लिए मुझे कभी भी वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं करना होगा, ठीक है। सेम केस मुझे अगर वाई एक्सिस में अगर कोई कोऑर्डिनेट चाहिए तो उस केस में मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं करना होगा, सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना होगा। तो अगर एक्स एक्सिस में मुझे चलना है तो इसका एब्सिसा तो होगा, ऑर्डिनेट नहीं होगा, ऑर्डिनेट कितना होगा ज़ीरो, वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा ज़ीरो, और वाई एक्सिस के केस में मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं होगा और वर्टिकल डिस्टेंस होगा, कुछ भी हो सकता है वो वाई, ठीक है। तो ये मेरे जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो होते हैं क्वाड्रेंट्स, तो मेरा पूरा कार्टेशियन सिस्टम चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है। ये मेरी एक एक्सिस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जब भी मैं सामने देखता हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं इस तरफ सामने देख रहा हूँ, तो दैट इज़ मैं आगे देख रहा हूँ, इन फ्रंट। अगर मैं बैक में देखूँगा, पीछे की तरफ देखूँगा, इसका मतलब मैं नेगेटिव साइड देख रहा हूँ। अगर मैं फ्रंट में देख रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव के सामने देख रहा हूँ, ठीक है। बस ये कन्वेंशन है, ये आपको जो ध्यान रखना है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, तो ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव की तरफ देख रहा हूँ, और नीचे की तरफ अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं नेगेटिव डायरेक्शन में देख रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ कन्वेंशन है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं ये मेरा पहला क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आप लोग ध्यान रखोगे, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो, ठीक है, आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं चलते हो, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। तो पहले क्वाड्रेंट में आप सामने देख रहे हो और ऊपर देख रहे हो, इसीलिए आपके एक्स भी पॉजिटिव होंगे और वाई भी क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। सेम सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए, एक्स में आप पीछे देख रहे हो, दैट इज नेगेटिव, तो एक्स क्या है आपका, नेगेटिव, ठीक है। और वाई में आप ऊपर देख रहे हो तो दैट इज पॉजिटिव, तो वाई क्या है आपका, पॉजिटिव। सेम थर्ड में आप एक्स में पीछे ही देख रहे हो और वाई में भी नीचे देख रहे हो, तो एक्स भी आपका नेगेटिव होगा और वाई भी आपका नेगेटिव होगा। सेम फोर्थ में आप एक्स में आप सामने देख रहे हो और वाई में आप नेगेटिव देख रहे हो, तो एक्स आपका पॉजिटिव होगा और वाई आपका नेगेटिव होगा।